अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जिया लाइफ स्टाइल। आज मेरी किचन में आप सीखेंगे आम का अचार बनाना। आम का अचार कैसे आप बना सकते हैं घर में, जो कि सभी का फेवरेट होता है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसे पसंद करते हैं और बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो आज हम सीखेंगे आम का अचार बनाना। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है और इसे हम बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बकेट ले ली है, उसमें मैंने पानी डाल लिया है और उसके बाद मैंने आम उसमें सोक कर लिए हैं, डिप कर लिए हैं अच्छे से। और कुछ देर के लिए मैंने इन्हें छोड़ दिया है और फिर इन्हें अच्छे से मैं धो लूँगी और ये 2 से 3 बार वॉश किए हुए आम हैं, बट हम लेकर आए हैं घर से तो एक बार फिर से मैंने इन्हें वॉश किया है अच्छे से। आम को हमें अच्छी तरह से धोना है ताकि इस पे कोई भी मिट्टी वगैरह ना लगी रहे। और आम को हमेशा अचार के लिए टाइट वाले आम ही हमें लेने हैं। ये देखें, ये एकदम साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है और एक बर्तन में मैंने इन्हें कर लिया है। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने पंखे के नीचे ही इन्हें सुखा लिया है ताकि इन पे जो भी पानी है, मॉइस्चर है, वो सब सूख जाए। कोई भी आम का अचार या फिर किसी भी तरह का अचार हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वरना तो अचार ख़राब हो जाता है और ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। तो जैसे ही आम सूखने लगे हैं और उनका मॉइस्चर अच्छे से सूख गया था तो मैंने उन्हें एक बास्केट में कर लिया है। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मेरी हेल्प आम को कट करने में, क्योंकि इनमें अच्छी गुठली पड़ चुकी थी और ये इजीली नहीं कट पा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों इन्हें अच्छे से कट कर रहे हैं चॉपिंग बोर्ड पे। आम को कट करने के लिए एक कटर भी आता है जिसमें लकड़ी भी नीचे लगी होती है, तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो उससे बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है आम को कट करना। बट हमारे पास ये नाइफ थी तो हमने इसी से कट किया है। और चूँकि इसमें गुठली पड़ गई थी तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसको कट करना, बट हम काट रहे थे दोनों मिलके अच्छे से। और थोड़े मोटे पीसीज हमने रखे हैं, ज़्यादा बारीक पीसीज हमने नहीं किए हैं। और आम का वेट हमें नहीं पता था कि कितना आम होगा ये, तो अंदाज़े से ही मैंने इसमें सारे मसाले ऐड किए हैं अचार के लिए। जितने भी मसाले इसमें लगते हैं तो मैंने सभी मसाले मैंने अंदाज़े से ही ऐड किए हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस वाली नाइफ से कट करना। अगर आपके पास इससे ज़्यादा शार्प वाली कोई नाइफ है तो आप उससे कट कर सकते हैं इजीली, उससे आपका टाइम सेव होता है थोड़ा सा। और इससे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था हमारा। और मैं इसके जो इसमें बीज थे, गुठली वगैरह थी, वो मैं साफ़ कर रही थी। और जो इसमें थोड़े पके हुए आम वगैरह निकल रहे थे उन्हें मैं एक साइड पर रख रही थी, क्योंकि हमें मीठे या फिर थोड़े जो आम टाइट थे बट अंदर से लाल निकल रहे थे, पके हुए से निकल रहे थे, मीठे थे, तो उन्हें मैंने एक साइड पर रख लिया था अलग। उन्हें भी मैं निकाल कर छांट कर अलग रख रही थी। और एक वैरायटी का आम और लेकर आए थे हम, जिससे मैंने मीठी चटनी या मुरब्बा आप कह सकते हैं वो मैंने बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं वो रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये देखिए, काफ़ी बड़ा बड़ा आम था ये और काफ़ी टाइट और अच्छे वाले आम थे, बट कुछ आम इसमें लाल निकल रहे थे पके हुए, अंदर से थोड़े मीठे थे। और ये आम बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका था उसके बाद ही हम कट करने लगे थे। और आम में अगर मॉइस्चर रहता है तो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी हम हैंड टू हैंड अचार डाल रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें और भी ज़्यादा चांसेस थे। और जो अचार को
हर बार मैं बनाती हूँ ज़्यादातर तो उसे धूप ज़रूर लगाती हूँ। इस तरह से कट करने के बाद आम को और उसमें नमक लगाने के बाद एक से दो दिन के लिए मैं धूप में ज़रूर सुखाती हूँ, बट इस बार मुझे जल्दी अचार तैयार करना था तो मैंने हैंड टू हैंड ही बनाया है बिना धूप लगाए, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अचार बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और कलर भी इसका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आया था। आप चाहें तो इस तरह से अचार डेफिनेटली बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर रेडी होता है, बट एक से दो दिन तक इसे धूप में बाद में ज़रूर रखिएगा और ऑयल भी इसमें ज़रूर ऐड करिएगा अच्छी क्वांटिटी में ताकि अचार के ख़राब होने के चांसेस कम हों। तो हम कट कर रहे थे अचार और काफ़ी इसमें टाइम लग गया था, आम काफ़ी ज़्यादा थे और उसमें कुछ आम इस तरह के भी वेस्ट निकल जाते हैं कट करते टाइम, और ज़्यादातर जो रेडीमेड अचार रहते हैं वो भी धूप में नहीं सुखाए जाते हैं, वो भी हैंड टू हैंड ही उन्हें बनाया जाता है, बट उनका मॉइस्चर इसी तरह से निकाल दिया जाता है ताकि वो गीले ना हो, और वो भी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अच्छी लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ उनकी बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरह से मैंने कोशिश की है और जो काफ़ी हद तक अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है मेरा। मैं बहुत ही कम रेडीमेड पिकल यूज़ करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, ज़्यादातर मैं घर के ही अचार बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि घर का ही अचार बनाऊँ। और ये एक साइड पर मैंने मीठे जो आम निकले हैं ये एक बोल में कर लिए हैं सारे इनकी, और इन आमों की बनाऊँगी मैं मीठे आमों की खटाई की सब्ज़ी जो कि रोटी के साथ खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मीठी खटाई, तो वो मैं बनाऊंगी। तो ये मीठे आम मैंने सारे इकट्ठा कर लिए हैं और अब थोड़े से ही आम कट करने के लिए बचे हुए हैं, और काफ़ी सारे आम मीठे निकल गए थे इसमें, और मेरे हस्बैंड ने पिलो रखा है साइड में ताकि आम उधर ना जाएं। और चॉपिंग बोर्ड की बैक साइड मैंने यूज़ की है वो भी ख़राब हो चुकी है क्योंकि आम में गुठली पड़ चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गए थे आम, तो उसकी वजह से चॉपिंग बोर्ड भी डैमेज हो गया था। और ये देखें फिर से मीठा आम निकला है एक और। एक से दो केजी अचार हम अगर बना रहे हैं आम का तो वो हम खुद अकेले कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अचार बनाना है तो एक से दो जन मिलके अगर हम बनाते हैं तो इजी हो जाता है काम और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और इस तरह से एक घंटा हमें लगा था आम को कट करने में, जो आम हमने कट कर दिए हैं उनमें फिर से मॉइस्चर आ जाता है, एक बार फिर से उन्हें पंखे में सुखाया जाएगा, एक बार फिर से मैं इन्हें पंखे में डाल दूंगी सभी को। इस तरह से मैंने सभी को अच्छे से सुखा दिया है, कॉटन के कपड़े पे डाल दिया है ताकि इसका जो भी मॉइस्चर निकला है, और देखें इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर निकला था, और एक बार फिर से मैंने इस तरह से इसको पंखे में सुखा लिया है, थोड़ा खुला खुला करके मैंने सुखा लिया है ताकि इसका जो भी मॉइस्चर दोबारा से इसमें निकला है वो सभी सूख जाए। तो कुछ देर के लिए मैंने इन्हें पंखे के नीचे डाला था और कुछ ही देर में एक से दो घंटे में इसका मॉइस्चर अच्छी तरह से सूख गया था और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई थी। और इतने ही मैंने मसाला रेडी कर लिया था इसका अचार का, कुछ मैंने रेडीमेड मसाला मंगाया था और कुछ मैंने घर पे ही मसाला बनाया था। अगर आप बिना धूप लगाए अचार बनाने जा रहे हैं तो भी आपको ज़रूरत है कि इस तरह से आप मॉइस्चर ज़रूर निकालें अच्छे से ताकि इसका पानी सूख जाए, वरना तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अच्छी तरह से इन्हें टाइम दिया है और इनका मॉइस्चर सूखने दिया है फिर से। ये कुछ मसाले मैंने घर के लिए हैं और ये रेगुलर वाला, मैंने इसमें नमक लिया है, सॉल्ट रेगुलर वाला लिया है, और ये चिली फ्लेक्स मैंने जस्ट अभी बनाए हैं, और ये हींग लिया है मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, मैंने हींग लिया है और हल्दी पाउडर। और इस प्लेट में जो मसाला है उसमें नमक नहीं था, वो रेडीमेड मसाला है,
तो इसी से मैं बनाऊंगी अब अचार अपना। और ये सभी अचार मैंने एक बर्तन में डाल लिया है, और प्लास्टिक का कोई इतना बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं था तो मैंने यही बर्तन ले लिया है। और इसमें मैंने सारे आम डाल लिए हैं अच्छे से। उसके बाद में मैंने ये वाला मसाला ऐड कर लिया है जो बाज़ार का था, रेडीमेड वाला। और ये जो बाज़ार का मसाला था इसमें नमक नहीं था, बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नमक ऐड किया है यहाँ पर, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं था। तो हल्दी वगैरह मैं अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, और हल्दी मुझे ज़्यादा ही पसंद है अचार में। और नमक मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, अगर मुझे कम लगेगा तो फिर से मैं एक बार मिक्स कर लूँगी। और मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि अच्छे से मैं इन्हें मिक्स कर पाऊँ, और जो स्पाइसेस हैं इसमें मिर्ची वगैरह रहती है तो हाथ में ना लगे, तो मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा मुझे ऑयल ऐड करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, आपस में चिपक जाए ये मसाला। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल डाला है, और सभी चीज़ें मैंने अंदाजे से डाली है, कोई चीज़ मैंने मेजर नहीं की है इस तरह से, तो मैं इसलिए आपको मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अंदाजे से डाला था ऑयल भी, और इसको मैंने अच्छे से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। जहाँ पे खाली पोर्शन थे वहाँ पर भी अच्छे से मैंने इसमें मिक्स किया है अचार में, मसाले को अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, नहीं तो सारा मसाला नीचे बैठ जाता है। और ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, मैंने फिर से थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर डाला है ताकि थोड़ा सा और मसाला अच्छी तरह से कोड हो जाए आम पे। और ये काफ़ी अच्छी तरह से कोड हो भी चुका है, और काफ़ी अच्छा कलर इसका आया है, ये देखिए आम का कलर काफ़ी अच्छा आया है। और जो मसाले वगैरह हैं मैं इस तरह से अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ, ताकि काफ़ी सारे आम थे और अच्छे से मिक्स इन्हें करना ज़रूरी था बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर मसाला नीचे बैठ जा रहा था, तो इसलिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है। और अचार भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बन गया था, तो अब इसे मैं 1 से 2 दिन धूप में रखूँगी, और उसके बाद में जब ये थोड़ा डाउन हो जाएगा 1 से 2 दिन के बाद, इसे जब मैं देखूंगी तो ये श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा, और जैसे ही ये थोड़ा नीचे बैठ जाएगा और मैं इसमें ऑयल डालूंगी काफ़ी सारा, जो ये अच्छे से अचार डूब जाए उसमें, इतनी क्वांटिटी में ऑयल हमें डालना है अचार में। तो अभी फ़िलहाल मुझे 1 से 2 दिन के लिए अच्छी तरह से इसे धूप में रखना है। और ये देखें मिक्सिंग अच्छे से मैंने कर ली है अचार की, और ग्लव्स भी मेरा फट चुका है। और ये देखें अचार मेरा बनकर रेडी हो चुका है, और मसाला भी इसमें अच्छे से कोट हो चुका है। और मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऐड किए थे इसमें, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस अचार में, आम के अचार में चिली फ्लेक्स, तो मैंने ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऐड किए हैं। फिर से इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स किया है मैंने। अगर आप चाहें तो बिना धूप लगाए भी इस अचार को रख सकते हैं, बट इसे आपको अच्छे से तेल डाल के रखना पड़ेगा। और इस अचार को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में। ये देखें कितना टेस्टी अचार मेरा बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। और आप चाहें तो इसे ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, बट इसमें तेल आपको डालना होगा। और अचार बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया था। और ये 2 दिन बाद की इसकी पिक है, ये काफ़ी श्रिंक हो गया है, और थोड़ी सी वीडियो मैंने ली है, और ये देखें कितने अच्छे से थोड़ा सा ये गल चुका है अचार, और धूप में मैंने इसे रखा है। और आप चाहें तो इस तरह से आप इसे धूप में भी रख सकते हैं। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Well, oh, Sunday.